प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास है, तो टॉपिक है हमारा जो लंदन का टॉपिक पिछले भाग कल हमने यहाँ पे पढ़ा, आज हम यहाँ पे उसके कुछ क्वेश्चंस में दिखा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द टाइटल्स गिवन टू लंदन? लंदन जो लंदन को शायरी के बाद जो लकब मिले वो क्या क्या है? द टाइटल्स गिवन टू लंदन है लल आरिफा, लल दैद, लल ऐश्वर्या, लल योगेश वरी। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड शी लीव हर हस्बैंड इन लॉज? उसे अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ना पड़ा? लल्दैद वाज नॉट हैप्पी इन इन लाइफ आफ्टर मैरिज, देयरफॉर शी लेफ्ट हर इन लॉज एट द एज ऑफ 24। जैसे मैंने आपको कहा भी कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं थी, इसीलिए उसे 24 ईयर की, 24 साल की उम्र में उसे अपने हस्बैंड को छोड़ना पड़ा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अवाक? वाक किसे कहते हैं? अवाक लिटरली मीन सेइंग और स्पीच। ईच वाक कंटेन्स 4 लाइन्स। लाइन दैट में जो आपने वाक बनाई वो आप सबको पता होगा, वो अपनी पोएट्री 4 लाइन्स पर मुश्तमिल करती थी, जिसे हम उर्दू में रुबाई भी कह सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लल्दैद्स पोएट्री? जो लल्दैद ने शायरी की उसके क्या फायदे मिले? द पोएट्री ऑफ लल्दैद इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन कश्मीरी लैंग्वेज। लल्दैद की जो शायरी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, वो कश्मीरी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। द वर्क्स ऑफ लल्दैद रिप्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग फॉर मेंटेन दे इंस्पायर टू सीक यूनिटी बिटवीन पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस। उसके उस शायरी का मकसद मतलब ये था कि वो चाहती थी कि हर एक मजहब के लोग आपस में बाई बाई रहे, प्यार से रहे। हर पोइट्री इज एन एम्बलम ऑफ ह्यूमनिज्म एंड ट्रेजरी ऑफ विजडम लव एंड ट्रूथ। लल्दैद की शायरी का यही मकसद रहा है कि हमें एक दूसरे के दरमियान प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लल्दैद की इस शायरी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, इसकी शायरी बहुत ज़्यादा मशहूर ही, इसी वजह से लल्दैद का नाम आज भी घर घर में लिया जाता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।